ऐसे सपने, ये सपने सच कर रहे हैं बेगाने हम अपने। घर के सब लोग ताबिज साहब की मंगनी करने गए। क्या ताबिज की मंगनी, इतनी अचानक? बेटा, किसी लड़की का फोन आया था, वो ताबिज के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही। उल्टी सीधी बातें? कैसी बातें? वो कह रही थी कि ताबिज के साथ उसका अफेयर था और पता नहीं। आप तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकी, तो फिर मुझे ही कुछ करना था ना। तुम इतनी बड़ी हिमाकत करो कि मुझे अंदाजा भी नहीं था। आयला बेटा, एनी, कोई भी नहीं बोल रहा, कहाँ है सब? आयला, पता नहीं कहाँ चले गए सब, बिल्कुल ही खामोशी है घर में। आयला, ये पैसे रख, जब बुआ आ जाए ना तो शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दे। बुआ के साथ क्यों? तुम्हारी और मेरी शादी की शॉपिंग भी तो एनी और बुआ ने की थी। हाँ, जैसे उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े बनाए थे। क्या मतलब? मैंने तो पैसे में कोई कमी नहीं रखी थी। यही तो आपका मसला है, आप हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं। तो क्या क्या हेरा फेरी की होगी उन्होंने। देखिए, इंसान को उसकी औकात में रखना चाहिए, उसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे भी पता नहीं वो किस किस्म की हेरा फेरी करती रहती होंगी। बुआ ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही मैंने कभी उनके बारे में ऐसा सोचा है। ठीक है, अब इस दफा शॉपिंग मैं खुद करूँगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बचत होगी। ठीक है, तुम युसरा को साथ ले जाना, ताबिश भी कह रहा था। लेकिन हमारी शादी के वक्त जब अम्मी ने आपसे मुझे ले जाने को कहा, तब तो आपने मना कर दिया था। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, मैं अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करूँगी, मैं कोई दखल नहीं देगा। ठीक है। अक्सा, ए अक्सा, जा जल्दी से ठंडा पानी लेके आ, गुस्से से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अरे उल्फत बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे छोड़, ये कोई रिश्ता था जो तू दिखाने लेके गई थी मुझे? ये लो, अच्छा भला शरीफ लड़का था, और क्या चाहिए? और आजकल के जमाने में इतने अच्छे और नेक लड़के मिलते कहाँ हैं? ठीक है, मैंने कहा था कि पढ़ा लिखा हो लेकिन पैसे वाला भी हो। तू मुझे ले गई वो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क के घर। आज क्लर्क है ना, कल अफसर भी मन ही जाएगा। ये जो तुम रिश्ते कराने वाली हो ना, तुम लोग ऐसे ही होती हो, कहती कुछ हो दिखाती कुछ हो। लेकिन रिश्ते करती तो तुम लोग अपनी मर्जी से ही हो ना, और फिर तुम्ही ने तो कहा था लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, गुर्बत का मारा नहीं होना चाहिए। कमबख्तों के घर में बैठने की जगह नहीं थी। लड़का पढ़ा लिखा और शरीफ हो तो घर भी बन ही जाता है। नहीं बनता, इस महंगाई में नहीं बनता। और वो आधी दर्जन फौज देखी थी उसके बहन भाइयों की, ऊपर से माँ बाप भी। बर्फ डाल के क्यों नहीं लाई पानी में, गरम ले आई। अम्मा पानी तो ठंडा है, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। चुप कर। अच्छा चलो, गुस्सा थूक दो, मैं कोई और हिस्सा दिखा दूंगी। बस तेरे मुंह पे ही थूक दो गुस्सा। आई बड़ी, हमें तो तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन वो लड़की जिस एतमाद के साथ सबूत फराहम करने की बात कर रही थी, उसने हमें परेशान कर दिया। उसके बाद उसने फोन किया कभी? नहीं। मुझे ऑफिस से नौरीन का फोन आया था, वो मुझे बता रही थी कि किसी लड़की ने मेरे घर का नंबर मांगा था। तो मुझे उससे उसका नंबर लेकर दो, इस बात को मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो ताबिश, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, और अगर तुम पे ट्रस्ट ना होता तो कभी शादी का फैसला नहीं करती मैं।
Like, I'm obliged, लेकिन फिर भी आंटी हैं, अंकल हैं, उनको तो मैंने मुतमईन करने है ना। कैसी बातें कर रहे तुम? हमें तुम्हारे पर पूरा ट्रस्ट है। हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि कहीं ये हासिद लोग बाद में तुम लोगों के लिए कोई परेशानियां पैदा न कर दें। आंटी, अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो प्लीज आप लोग इस बात पर भी यकीन रखिए कि मेरे और यूसरा के दरमियान में कोई नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं जिंदा हैं। और ये क्यों थैले उठा के लाई है, क्या है इसमें? ये मैं आपके लिए और अक्सा के जहेज के लिए कपड़े लाई हूँ। दिखाओ। हाँ हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? सुहेब ने यूसरा की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे, उसमें से बचा कर लेके आया। हमारे लिए चिथड़े लाकर बड़ा तीर मारा है ना आपने? ले जाइए ये लॉलीपॉप, हमें नहीं चाहिए। ये अभी भी मुझे कसूरवार समझती है। क्या करूं, वो भी बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर गम खा के इतनी सी शक्ल निकल आई है उसकी। आपको नहीं पता मैं इसके लिए कितनी परेशान हूँ। ज़ायदा से मैंने कहा था रिश्ते के लिए और एक दोस्त ने दिखाए भी, लेकिन बहुत फजूल। वो कहाँ अच्छे रिश्ते दिखाती हैं। मैंने एक मैरिज ब्यूरो में बात की है, वहाँ की औरत बहुत अच्छे और अमीर रिश्ते करवाती हैं। अरे तो क्या वो अमीर रिश्ता लेके इस घर में आएगी? पैसे भी बहुत लेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे अपने घर पर बुलाऊंगी। अम्मा, अब आप फिर आपे की बातों में नहीं आ जाना। पहले इनकी वजह से कम जलील हुए हम लोग, और आज इनकी झूठी तसल्लियों की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। मैं तो आयला भाभी की चॉइस देखकर इतनी परेशान हो गई। क्यों, क्या हुआ? इतने थर्ड क्लास कपड़े खरीदे उन्होंने यूसरा भाभी के लिए। बेटा ये बात किसी के सामने मत करना। क्यों, मैं तो सुहेब भाई को बताऊंगी, इससे और बदमस्ती बढ़ जाएगी। नहीं नहीं बुआ ठीक कह रही है बच्चे, मैं खुद यूसरा को उसके चॉइस के मुताबिक शॉपिंग करवा दूंगा। ये ठीक रहेगा, और प्लीज वो कपड़े उन्हें मत दिखाएगा, अपनी इंसल्ट होगी। अच्छा तो ये फितना एनी फैलाने की कोशिश कर रही है, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा। छोड़ दो इस बात को, लीव इट, मज़ीद डिस्कस मत करो। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे आयला भाभी पर अफसोस हो रहा है, वो कैसे इस तरह की शॉपिंग कर सकती है यूसरा भाभी के लिए। तो ये लड़की भी ना फितना है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। सुहेब, आपने जो पैसे दिए थे ना यूसरा के कपड़ों के लिए, उसमें से मैंने 10 जोड़े ले लिए और ये पैसे भी बच गए। अच्छा, तुम्हारे ड्रेसेस के लिए भी मैंने इतने ही पैसे दिए थे, लेकिन उसमें तो सिर्फ 2 या 3 ड्रेसेस आए थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है। समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कैसे अंधा एतबार नहीं किया करें, खुद चीजें देख लिया करें। अच्छा आप ये काम तो छोड़ें, आप ऑफिस में भी काम करते हैं, बस अभी ना करें। हाँ वो एनी के लिए तुमने जिस लड़के का बताया था उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। अच्छा फिर? बिजनेस अच्छा है उसका, लेकिन कैरेक्टर ठीक नहीं है लड़के का। लोग झूठी अफवाह भी तो फैला सकते हैं। जहां आग होती है धुआं वहीं से निकलता है, एंड यू नो दैट। अच्छा
और कोई अगर एनी के बारे में आपको कोई ऐसी बात कहे तो आप उसे सच समझेंगे? एनी के बारे में कोई ऐसी बात क्यों कहेगा? आपको पता है एक लड़का कॉलेज से लेके घर तक एनी का पीछा करता था, उसे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या कह रही हो तुम, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। जबकि ये बात ताबिश और बुआ दोनों को पता है, इसीलिए तो ताबिश खुद एनी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। मुझे ताबिश ने भी नहीं बताया। लोग तो सिर्फ आपको एक कमाने की मशीन समझते हैं और कुछ नहीं। क्या आप खुद ही अपने तरह से ऑब्जर्व कर लें, अब वक्त हो गया है कि आपकी भी आंखें खुल जाएं। कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? बहुत अच्छा। Very good. मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा कॉल्स नहीं करूंगा ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर सको। मैं कोशिश तो कर रही हूँ मगर मगर क्या? बुक के हर पेज पर आपका चेहरा नजर आता है। भाई ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसके लिए तो आपको फिर अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लोग तो सिर्फ आपको एक कमाने की मशीन समझते हैं और कुछ नहीं। क्या वाकई ऐसा है? मैंने तो इन सबको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखा, बेइंतहा मोहब्बत की। और एक लड़का कॉलेज से लेके घर तक आने का पीछा करता था, उसे कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था। इतनी अहम बात और सबने मुझसे क्यों छुपाई? क्या मैं वाकई इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? हेलो ताबिश, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यार शॉपिंग ने थका दिया। हाँ लेकिन अभी तुमने मेरे साथ भी शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारे साथ? लेकिन तुमने तो आयला भाभी का कहा था। हाँ उन्होंने कुछ शॉपिंग की तो है, लेकिन तुम्हारे मतलब की नहीं। क्या मतलब? मुझे पसंद नहीं। प्लीज इस बात को इशू मत बनाना, तुम जानते हो मुझे ड्रेसेस और ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है। लेकिन फिर भी बात सुनो, मम्मा ने मेरे लिए पहले ही बहुत ड्रेसेस बना के रखे हुए हैं और एनी के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब मत करना और तुम टेंशन मत लो। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, मैं पिक करूंगा और हम शॉपिंग के लिए जरूर जाएंगे। दैट्स इट। आपकी बातों से तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूं। कैसा? ये दही मोटरसाइकिल कहाँ से आई, किसी दोस्त से लाया है? अरे अम्मा दोस्त से क्यों मांग के लाऊंगा, अपनी है, खरीद के लाया हूँ अभी इस घर में। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अम्मा ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारा दामाद अमीर है, फैक्ट्री का मालिक है। इसका मतलब ये बाइक तुम्हें सुहेब भाई ने दिलाई है? अरे एक तो इस घर में लोग सवालात बहुत करते हैं। इंजॉय करो, बैठो, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खिला के लाता हूँ तुझे। हाँ, पहला हक माँ का बनता है। अम्मा तुम रहने दो, तुम अब्बा की फटपटी पे बैठो और उसी पे चक्कर लगाती रहा करो, हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अब सर ना फुड़वा आना अपना, एक मिनट घुमाने दो दे। और अम्मा चूल्हे पे दाल चढ़ी है वो देख लेना। वो सोहेब भाई यूसुफा के लिए शॉपिंग करनी थी, ज्वेलरी और इस टाइप की चीजें। तो करो, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ अमाउंट चाहिए थी। तुम इतने अरसे से जॉब कर रहे हो, कुछ तो सेविंग्स किए होंगी ना, खर्च करो। सुहेब भाई आपने आयला भाभी के लिए भी तो शॉपिंग की थी। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मर्द को उसी वक्त शादी करनी चाहिए
जब वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। जी मैं आपकी बात अच्छी तरह समझी। I'm sorry. बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कोई गलत बात नहीं की बुआ, और बेहतर यही है कि आप हमारे मामलात में दखल ना दें। सुहेब भाई को क्या हुआ है? वो कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे पता था आप इस वक्त टेंशन में बैठे होंगे और आपको चाय की तलब हो रही होगी। थैंक यू। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? बहन भाइयों के रिश्ते में तो अक्सर ऐसा वक्त आ जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि मैं उनके साथ कितना सिंसियर था। जिंदगी में सिर्फ एक ही मुखलिस रिश्ता होता है, वो है मियां बीवी का। बाकी सब तो हवा के रुख की तरह बदल जाते हैं। इस बात को समझने और इस पर यकीन आने में बहुत वक्त लगेगा। हालांकि अब तक तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मतलब आपने देखा नहीं बुआ एनी और ताबिश ने आपकी बात पर कैसे रिएक्ट किया, जबकि आपने कुछ गलत तो नहीं कहा था? इसी बात का अफसोस है। उन लोगों ने आपके खिलाफ मुहाज बना रखा है। मुहाज? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ यही देख रही हूँ। जाने आपको क्यों नजर नहीं आता? मैंने तो हमेशा अपनी और उनकी मोहब्बत पर एतबार किया है। यही तो आपकी गलती है। रिश्तों को उनकी हैसियत और उनकी औकात के मुताबिक ही रखना चाहिए। मर्द को उसी वक्त शादी करनी चाहिए जब वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। बेटा सुहेब की बातों पे दुखी ना हो। बेटा बड़ा भाई बाप की जगह होता है। हमेशा बाप ही की तरह समझे हमने। बेटा बाप भी तो कभी कभी नाराज हो जाता है। यही तो दुख है बुआ। सुहेब भाई पहले कभी यूं खफा नहीं होते, तो फिर अब क्यों? बेटा इंसान हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता। हमारे सुहेब भाई बुआ जो लाखों हजारों रुपए देकर कभी हिसाब नहीं मांगते थे, और आज अब बदल रहा है। इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए बेटा। लेकिन क्यों क्यों बदल रहे हैं? बेटा जब एक की मोहब्बत सच्ची हो और दूसरी मशकूक हो तो ऐसा हो जाता है। नहीं बुआ, जब से आयला भाभी आई है तब से सुहेब भाई के रवैये में चेंज आ गया। ना बेटा ना, ऐसी बात बोलना भी नहीं और ना ही सोचना। ये सच है बुआ, मुझे आप सच कहने से नहीं रोक सकते। इस सच में कितना बड़ा फसाद छुपा है तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। तो फिर मैं क्या करूं बुआ? बस बेटा खामोश रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है ना बस उसी से अपनी शादी करो। सुहेब भाई मेरे बाप की तरह, प्लीज उनके एहतराम में कभी कोई कमी मत आने दें।
रायला भाभी मेरी माँ की। मैंने मामा पापा से डिस्कस किया था इस अदले बदली की शादी के बारे में, मगर वो मुझे कुछ रजामंद दिखाई नहीं दिया। तो अब क्या होगा? इरादा है मलेशिया जाने का, लेकिन उसके बाद वापसी पर हम दुबई जरूर रुकेंगे। वाओ, कितना मजा आएगा आप दोनों को। तुम नहीं जाओगी इनके साथ? ये देखो बेटा, युसरा के लिए ना मैंने बिल्कुल आयला की तरह कपड़े बनवाए हैं। कैसे लग रहे हैं जोड़े? बहुत अच्छे हैं बुआ। बुआ, बहुत भारी सामान दिया है ताबिश भाई के ससुराल वालों ने, उठा उठा के मेरी कमर रह गई। अरे बेटा, अच्छा फर्नीचर हमेशा भारी होता है, और इन लोगों ने तो एक से बढ़कर एक कीमती फर्नीचर दिया है। आप सही कह रहे हैं बुआ, युसरा भाभी और इनके घर वालों का टेस्ट बहुत अच्छा है। इससे पता लगता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। कैसे पता चला? बेटा, जो लोग समझदार होते हैं ना, वो अपनी बच्चियों को ऐसी चीज देते हैं कि जो उनकी बच्चियों के लिए सारी उम्र काम आए। ये बात तो है, युसरा भाभी को उनके घर वाले बहुत प्यार करते हैं। बुआ, मेरे लिए भी ऐसे जहेज बनाइएगा। अरे मैं तो तुम्हें एक से बढ़कर एक अच्छी चीज दूंगी, इससे ज्यादा प्यारा जहेज दूंगी, तो फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सॉरी, वो मेरी शायद आंख लग गई थी थोड़ी देर के लिए ना। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, इट्स ओके। आज तो घर में युसरा के जहेज की रौनक लगी हुई है, हर तरफ वही पड़ा है। हाँ, और हर कोई तारीफ भी कर रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे जहेज के लिए मना करके मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये क्या कह रही हो तुम? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन युसरा के खानदान की तारीफ, उनके जौक, उनकी इमारत का सुन सुनकर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक भिखारी बन के खाली हाथ आई हूँ उस घर में। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम मेरी बीवी हो, जो तुम्हारा मकाम है वही युसरा का भी। मकाम? क्या मकाम है मेरा? कोई मकाम नहीं है। आपने जहेज से मना कर दिया, एनी ने आपको कह के अखराजात से मना करवा दिया, ताबिश को मेरी शॉपिंग नहीं पसंद, मेरा मैं क्या हूँ इस घर में? कुछ भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल जीरो हूँ। तुम ऐसा हरगिज मत सोचो, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की मालकन। जो तुम्हारी इंपॉर्टेंस है इस घर में वो किसी और की नहीं है, एनी और बुआ की भी नहीं। थैंक यू, कम से कम आप तो मेरा मान रखते हैं। हमें ये शादी का कार्ड, ये कार्ड देके हमारे जख्मों पे क्यों नमक छिड़कने आई? आप क्या शादी पर नहीं आएंगे? शर्म तो नहीं आती ये बात करते हुए? आपी, तुम भी अमीर लोगों की तरह बेहस हो गई हो, हमारे एहसासात का रत्ती भर ख्याल नहीं रहा तुम्हें। अम्मी, क्या आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, अक्सा? आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने एहसासात, अपनी जरूरतें, मेरे बारे में सोचते। इतने बड़े घर में ब्याह दिया तुम्हें, अब आगे और क्या सोचना है? ऐसे तो कोई फकीर भी अपनी बेटी को नहीं ब्याहता। अच्छा, तो अब तू हमें ताने भी देगी है? मैं ऐसा कभी नहीं कहती, लेकिन आज मुझे सचमुच में बहुत दुख हुआ। किस बात का? दूसरा का जहेज दे। क्या बहुत कीमती है? हाँ, उससे ज्यादा जिस मोहब्बत से उसके वालिदैन ने उसके लिए वो जहेज बनाया, उसे देखकर मुझे दुख हुआ।
अरे तो बड़े लोग हैं, दे दिया होगा। अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, तो क्या जहेज देने से मोहब्बत का एहसास दिलाया जाता है? थोड़े अम्मी आप ही समझिए। बहुत लालची हो तुम लोग, सब जानती हूँ मैं। आतिफ को कमा लेने दो, तुम्हें जहेज भी दे देंगे। रो क्यों रही हो? जिंदगी के हसीन सफर पे खुश आमदी। थैंक यू सो मच ताबिश। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि उसको पा भी लेते हैं, और अल्लाह ताला हमें इस हसीन रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निभाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। युसरा, जिंदगी का हर रिश्ता मोहब्बत और खलूस से कायम रहता है। जानती हूँ। सोहेब भाई मेरे बाप की तरह, प्लीज उनके एहतराम में कभी कोई कमी मत आने दें। और आयला भाभी मेरी माँ की, बिल्कुल आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा। सेम है। अरे तू जिसके गम में रो धो रही है ना, वो अपनी दुल्हन के साथ खुशबाश है। अम्मा उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह उसे कभी खुश नहीं रखेगा। अरे उसने कौन सा तुझसे शादी या मंगनी का वादा किया था? तू शादी पे नहीं गई तो किसी ने पूछा भी नहीं कि अक्सा क्यों नहीं आई है। तू एवं पागल हो रही है क्या? आयला अभी ने भी नहीं पूछा। अब क्यों पूछेगी, उसे तो सब पता है। देख बेटा, इस तरह किसी के गम में हलकान होना ना अच्छी बात नहीं है। फिक्र ना कर, मैं जल्दी तेरी शादी का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे नहीं करनी शादी वादी। ए, खबरदार जो बुरी फाल मुंह से निकाली है। चलो उठ अब, किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए, तेरा बाप धोएगा क्या? उठ जा, धो। रीजा, भाभी आए बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। वाकई भाभी कितनी प्यारी है, मुझे पता ही नहीं था ताबिश भाई की इतनी अच्छी चॉइस है। ओह रियली? अच्छा, तो जो युसरा की चॉइस है ये, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो भाभी बताएंगी। मुझे अपनी चॉइस पे बहुत फखर है। अरे बेटा कुछ खाने को ही पूछो या बस बातें करती जाओगी? क्या प्लान है भाई, कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? इरादा है मलेशिया जाने का, लेकिन उसके बाद वापसी पर हम दुबई जरूर रुकेंगे। वाओ, कितना मजा आएगा आप दोनों को। तुम नहीं जाओगी इनके साथ? मैं तो इसलिए कह रही थी कि हमारा हनीमून तुम्हारे बगैर इतना बोरिंग था। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। इसे मैंने तुम्हारे साथ भेजा भी तो नहीं था ना। कब निकल रहे हो तुम लोग? हैं अभी 2-3 दिन के बाद। वीजा हो गया, टिकट्स हो गई, सारे प्रोसेस में सब कंप्लीट।
से। ये क्रिकेट की सीरीज कहाँ हो रही है? शारजा में। शायद ताबिश और युसरा भी कोई मैच देखने के लिए जाए। ताबिश को तो वैसे ही क्रिकेट का बहुत शौक है। वो हनीमून के लिए जा रहे हैं, मैच देखने नहीं। हनीमून अपने मुल्क में भी तो मनाया जा सकता है। अपनी अपनी चॉइस की बात है। हैरत है, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, मुझे घुमाने के लिए मरी ले गए। और वो क्या मतलब है? ताबिश तो कह रहा था कि उसके पास शादी तक के लिए पैसे नहीं, और बीवी को घुमाने के लिए दुबई मलेशिया के पैसे आ गए उसके पास। उसके ससुराल वाले काफी अमीर हैं, हो सकता है उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया हो। और ये भी हो सकता है उसने फैक्ट्री से इधर उधर कर लिया। कैसी बातें कर रही हो तुम? ताबिश ऐसा नहीं है, बहुत ईमानदार है वो। अभी तो आप देखिएगा क्या क्या इंकशाफात होते हैं। क्या मतलब इंकशाफात? ताबिश ने ये जाहिर किया कि शादी से पहले उसके पास कोई पैसे नहीं, और अब शादी के बाद अपनी बीवी पर इतने खर्चे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज कहाँ जाने का प्रोग्राम है? हाँ बस ऐसी मम्मा के पास जा रही थी डिनर पे। कोई ड्रेस डिसाइड किया? भाभी अभी तक तो कोई सिलेक्ट ही नहीं किया मैंने। भाभी वो वाओ कितने अच्छे ड्रेसेस हैं ये, और कलर्स भी कितने अच्छे हैं, है ना भाभी? बहुत अच्छे। और ये तो सबसे अच्छा देखे। वाकई ये बहुत प्यारा ड्रेस है, और उससे प्यारा तुम्हारे ऊपर लगेगा, इसको तुम रख लो। नहीं नहीं भाभी, मैं तो ऐसी तारीफ करी थी, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम मेरी बहनों की तरह नहीं हो? वो तो हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस इस ड्रेस को पहन के तैयार हो जा, हमें जाना है। कहाँ? डिनर पे जा रहे मेरी मम्मी के घर। नहीं नहीं आप लोग जाएं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, एंजॉय करेंगे। चली जाओ ना, इतने प्यार से कह रही। ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। थैंक यू। बहुत लविंग और क्यूट है ये। वो तो है, मगर मुझे लगता है कि तुम लोगों के बारे में राय कुछ ज्यादा जल्दी कायम करते हो, इतनी जल्दी भी जीतते हैं। भाई तुम्हारी आवाज़ सुन के फ़ोन पे बहुत खुशी हो रही, बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ मैंने सुना है माशाल्लाह तुमने अपना मकान खरीद लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ तुम्हें और तरक्की दे, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ तुम्हें सेहत और ज़िंदगी दे। हेलो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? युसरा एनी और ताबिश के साथ अपनी अम्मी के घर डिनर पर गई है। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे बेटा, शहजाद और उसकी बीवी का फोन आया था, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। क्या बात है बेटा, बहुत बुझे बुझे लग रहे हो। कुछ नहीं बुआ। बेटा पहले तो तुम उसे कोई बात नहीं छुपाते थे, और अब तो बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हो। यही बात अगर मैं आपसे कहूँ तो? लेकिन बेटा मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। एनी के पीछे कौन लड़का आता था? ताबिश उसे कॉलेज छोड़ने क्यों जाता था? वो लड़का उसे तंग करता था, और आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटा मैं बताना चाहती थी, मगर मैंने खुद उससे बात करते हुए सुना है।
और यकीनन आप ये बात जानते हैं। आप एनी और ताबिश को इस तरह खराब करेंगे मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेटा बेटा ऐसे तो मत कहो। वाह, आपने ताबिश और एनी को अपना राजदार बनाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया, आपने ठीक नहीं किया। नहीं बेटा, बेटा ऐसा तो ना कहो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ओहो भाई, पैकिंग हो रही है। बस समझे, हो ही गई। कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम दोनों? ताबिश बता रहा था कि कोई 10-12 दिन के लिए। अच्छा किया कि हनीमून के लिए अब्रॉड जा रहे हो। ताबिश ने लगता है काफी सेविंग की होगी। ताबिश ने नहीं, मैंने भी बहुत सी सेविंग की हुई है। वैसे हम दोनों मिलके बहुत सारा खर्च करने वाले। तुमने अपनी सेविंग में से जहेज नहीं लिया? नहीं नहीं, वो तो मम्मी डैडी ने दिया है। आपको पता है भाभी, मम्मी डैडी ने कभी मेरी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं लिया। तुम एक काम करो, अपने फंड के पैसे निकाल के उस कमबख्त के मुंह पे मारो और सेट लाके मुझे दो, वो अब मैं रखूंगी। फिर तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जहेज के लिए प्लॉट या बंगलो भी दिया होगा। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, ये घर है तो। हाँ शायद अगर ये घर ना होता तब वो भी दे देते। चलो तुम पैकिंग खत्म करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हेलो भाभी, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस हमारी हनीमून की प्लानिंग के बारे में पूछ रही थी। आप एनी और ताबिश को इस तरह खराब करेंगे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे मौला, तू जानता है मैंने कभी बच्चों से गलत बयानी से काम नहीं लिया। तू साहब के दिल से मेरी तरफ से जो गलत फहमी है वो दूर कर दे, मेरे परवर्तिकार दूर कर दे। बुआ, मुझे आपको एक बात बतानी है। पता है रात को समीर ने मुझसे शादी के लिए कहा और ये भी कहा कि वो मेरा साथ देगा। अब आपको मेरा साथ देना और सुहेब भाई से बात करनी है, ओके? आपने ताबिश और रैनी को अपना राजदार बनाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया है। बदगुमानी और नफरत भरी भी होती है और आहिला ये काम बहुत अच्छी तरह कर रही है। आहिला भाभी, मेरा शक अब यकीन में बदल गया। आप इन्हें वरगला कर मेरे खिलाफ करने का काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। आप ही वो, अरे बता भी दो क्या बात है। आप ही वो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। सुहेब भाई प्लीज, बुआ को रोकिए ना, इन्हें मत जाने दें। जाने तो इन्हें। बाबुल के आंगन की गलियां बेगा